नमस्कार, आप देख रहे हो पंजाब टीवी प्राइम। रोपड़ में 13 वर्षीय बच्चे गुलशन की चाइना डोर ने जान ले ली। रविवार शाम गुलशन रेलवे स्टेशन के पास साइकिल पर अपने घर कोटला निहंग जा रहा था। फ्लाईओवर के पास चाइना डोर से उसके गले पर कट लग गया, जिस पर उसने कपड़ा बांधा और घर पहुंचा। घर पहुंचते ही रणजीत सिंह पिता से चाइना डोर से गला कटने की बात कहते कहते बेहोश हो गया। परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां से उसे PGI रेफर किया, लेकिन खून बह जाने के चलते गुलशन ने रास्ते में दम तोड़ दिया। वह कोटला निहंग के सरकारी स्कूल में 8वीं का छात्र था। परिजनों का कहना है, गुलशन को चाइना डोर से 6 से 7 सेंटीमीटर लंबा कट लगा था। कट इतना गहरा था कि दिमाग को पहुंचने वाली खून की नसें कट गईं। इससे काफी खून बह गया था। गुलशन के चाचा सूरजपाल व रिश्तेदार सिकंदर ने बताया, गुलशन घर में सबसे बड़ा था। आपको बता दे कि बसंत से 4 महीने पहले ही रोपड़ में पाबंदी के बावजूद चाइना डोर की खरीद शुरू हो गई है। सिर्फ बसंत के दिनों में ही प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा खानापूर्ति के लिए चेकिंग की जाती है। जब पंजाब टीवी प्राइम की टीम ने रोपड़ के कुछ दुकानों में पतंग विक्रेताओं से बात की तो उन्होंने फिलहाल चाइना डोर देने से इनकार किया। परंतु गुलशन की मौत के बाद बड़ा सवाल यह रह गया है कि प्रशासन के बड़े बड़े दावों के बाद भी चाइना डोर इतनी आसानी से बच्चों को कैसे मिल जाती है। परंतु प्रशासन को कभी भी दुकानों पर चाइना डोर नहीं मिल पाती। शायद यही कारण है कि एक मासूम की जान चल गई है। परिवार का कहना था कि रविवार शाम चाइन डोर से बच्चे की मौत हो जाने की वजह से पुलिस चेकिंग चल रही है, इसलिए अभी पुलिस को कोई डोर नहीं मिल पाई। परंतु कुछ दिनों के बाद दुकानों में आकर देखे तो जितने गट्टे चाइना डोर के चाहिए वह मिल जाएंगे। रोपड़ से पंजाब टीवी प्राइम के लिए पुलकित कुमार की रिपोर्ट। बड़े मामे का मुंडा है, बड़ा ही सीगा, 13 साल का है ही। ये ना अपना हाईवे तो आ रहा है, अपने रेलवे स्टेशन से सीधा राह आंदा, साइकिल पर सीगा। इन्हें आके घर आके मेरे बड़े दादी ने दसिया था भी मेरी डोर ना गर्दन बढ़ होगी, इन्ना ही बोल सकिया थे। तो मैं प्रशासन को यही मंग करता है कि जिथे दुकाना से मैं कहता डोर तो छोड़ो, जिथे दुकान तक पतंग भी दिखगी उसे कार्रवाई करनी चाहिए। जो पतंग ही नहीं डोर कितने से आऊंगी। मैं ही प्रशासन को मंग करता कि भी चाइनीज डोर बंद की जाए ताकि किसी का पुट ना जाए। वारदात का समय किन्ना? वारदात का समय हैगा 4 बजे का करीब टाइम, 4:30। पहला कि हस्पताल लेके गए? पहला लेके गए सांगे दे, उन्होंने जवाब दिता जी। अच्छा, लेके गए PGI उन्होंने थोड़ा ट्रीटमेंट किया, उसके बाद उन्होंने जवाब दिया। वारदात है, कल मेरा भतीजा रोड तो साइकिल लेके आ रहा था फ्लाईओवर से, अचानक ही गले में डोर फस गई, चाइना डोर, जिद ना गला काफ़ी बंद हो गया। उन्होंने असी PGI अस्पताल भी ले गए, सांगा भी ले, उन्होंने सारे जवाब देता। सारे हाथ जोड़ के बेनती है कि भी चाइना डोर जल्द तो वो बंद की जाए तो इससे बैन लगाया जाए ताकि किसी माँ बाप का पुत कि भतीजा चाचा ताया कोई ना जाके कल हादसा ना हो वापरे।